गाजियाबाद से एक अजीब मामला सामने आया है, जहां पर एक क्लिनिक चलाने वाले एक झोला छाप डॉक्टर और उसके दोस्त द्वारा एक महिला मरीज के साथ क्लिनिक के अंदर गैंगरेप करने का ये मामला सामने आया है। महिला आरोपी के पास इलाज कराने आई थी और महिला का ये आरोप है कि डॉक्टर ने धोखे से उसी नशे का इंजेक्शन लगाकर उसके साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और उसी उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी अमरोहा का रहने वाला साकिब खोड़ा के अम्बेडकर पार्क का है, जहां पर आरोपी के पास कोई वैध डिग्री नहीं है और थाने में महिला ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए ये बताया कि वह 19 जून को साकिब के पास इलाज कराने गई थी। पीड़िता का ये आरोप है कि डॉक्टर ने मौका देकर उसे नशे का इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद वो बेहोश हो गई और इसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। आरोपी डॉक्टर ने एक दोस्त ने भी पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और पीड़ित महिला ने पुलिस को इसकी जानकारी दी है। पुलिस को आरोप महिला ने ये बताया कि जब उसे होश आया तो वह बिना कपड़ों के बेड पर पड़ी थी और होश में आने के बाद घटना की जानकारी हुई तो उसने इसका विरोध किया, जिस पर आरोपियों ने किसी को कुछ भी बताने पर उसे बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी। इसके बाद पीड़िता अपने घर पहुंची और अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद पुलिस ने ये मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है।